हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ तिल और सेंगदाना की वड़ी। सो स्टे विथ मी फॉर होल ब्लॉग और हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और ये देखिए ये टेक्सचर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तिल और मूंगफली की वड़ी बनाने के लिए जितना मैंने तिल लिया है उतना ही आपको मूंगफली लेना है और इसके डबल गुड़ लेना है। तो सबसे पहले हमें इसको अच्छे से भून लेना है। तो पहले सेंगदाना भून लेंगे। तो ये देखिए सेंगदाना भून गया है अच्छे से। अब तिल भूनना है। तिल सफ़ेद के जगह ये जो देसी तिल होते हैं ना, बस उसी का यूज़ कीजिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है वड़ी में। तो इसको भी अच्छे से भुनेंगे। ये जल्दी से भून के रेडी हो जाते हैं। जब तक हमारे तिल भून रहे हैं तब तक इलायची और जायफल का मैं पाउडर बना के लेती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, बस 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी और टेस्टी भी बहुत लगती है। देखिए ऐसा आवाज आने के बाद हमारे तिल भून के रेडी है। गैस की फ्लेम बंद कर दे और इसे ठंडा होने रख दे। अब एक मिक्सर में पहले मूंगफली को अच्छे से ग्राइंड, यानी थोड़ा सा कोसली ग्राइंड करके लेंगे दरदरा। ये देखिए एकदम दरदरा पीस लिया है। अभी इसके अंदर मैं तिल को ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स हो जाए। तिल को हमें ग्राइंड नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ दरदरा ही रखना है। ये देखिए ऐसा टेक्सचर होना चाहिए दरदरा, तब बढ़िया अच्छी लगती है और स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही है जब तिल ग्राइंड होता है ना। और अगर इसकी पोली बनानी है तो इसको और थोड़ा सा ग्राइंड कर ले तो इसके पोली भी अच्छी बनती है स्टफिंग के लिए। देखिए ऐसे रखा है टेक्सचर। अब उसी कढ़ाई में हमें गुड़ डाल देना है। एक कटोरी तिल, एक कटोरी मूंगफली और दो कटोरी गुड़। तो सिर्फ मेल्ट करना है गुड़ को हमें। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, सिर्फ एक चम्मच। सिर्फ मेल्ट कर लेना है गुड़ को। इस पे हमें इलायची और जायफल का पाउडर डालना है।
मैंने यहाँ पे 3-4 इलायची लिया था और एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया था और उसे अच्छे से कूट लिया। देखिए गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। अब इसी स्टेज पे इसके अंदर में घी का ऐड कर दूंगी। एक 1.5 चम्मच डाल दिया है घी। गैस की फ्लेम में बंद कर रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अभी तुरंत इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। जल्दी से मिक्स कर लेंगे। जल्दी से मिक्स करना है। ये देखिए अब एक थाली लिया है मैंने, इसको अच्छे से ग्रीस करके लेंगे घी से। ताकि हमारी चिपकनी नहीं चाहिए ना बड़ी। अच्छे से मिक्स करना है। परफेक्ट हो गया कंसिस्टेंसी इसका। ये लो जी, इसके अंदर डाल देंगे। अभी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। वैसे तो ऑलरेडी स्प्रेड हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। थोड़ा सा टैप करके लूंगी, इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी। अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ये कोकोनट। और ये पिस्ता क्रश किया हुआ। आप कौन से भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हो। थोड़ा सा इसे हम प्रेस कर लेंगे ताकि निकले ना। तो थोड़ा ठंडा करना है हमें, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। वड़ी हमें काट के लेना है इसकी। थोड़ा सा मैं 5 मिनट रख दूंगी इसको साइड में। तो ये देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम कट कर लेंगे। और आपका मिक्सचर अगर ज़्यादा कड़क हो गया होगा तो फिर से गैस के ऊपर ये रख सकते हो थाली को। थोड़ा सा गर्म कर लेना, फिर से वो मेल्ट हो जाएगा, तब आप ये काट सकते हो बड़ी को। ये अभी हल्का सा गर्म है और ठंडी होने के बाद फिर बड़ी नहीं कट करने आती है। जो भी शेप चाहिए
मैं अभी स्क्वायर में कट कर रही हूँ, आप लगा तो डायमंड शेप में कट कर सकते हो। देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय बाय।